चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, पर सब कह रहे थे कुछ खा के मर गया। कतार बड़ी लंबी थी कि सुबह से रात हो गई। ये दो वक्त की रोटी आज फिर मेरा अधूरा ख्वाब हो गई। दोस्तों आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज हरियाणा। आज मैं सेक्टर 16-17 की स्लम एरिया में खड़ा हूँ। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, सबकी लाइफ चेंज हो गई है। कुछ लोग दिनचर्या हम से हट के घर बैठ गए हैं और कुछ लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को खोज रहे हैं, वह रोज़ खाना ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे में आज मैं खड़ा हूँ सेक्टर 16 के स्लम्स एरिया में, जुगी एरिया में। तो मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूँगा, ये सभी स्लम्स एरिया है। तो चलिए हम बात करते हैं शुरू से। आपका नाम क्या है जी? देखिए जी पार्वती, आपको जैसे कि खाना पूरे टाइम पे मिला जा रहा है? ना जी, सरकार से खाना तो मिलता है, यही है, सुबह से मिला कौन नहीं। अब 2-2.5 बजे आएगा, उसके बाद क्या, सुबह से भूखे थोड़ी ना रहोगे बच्चे। तो खाना टाइम पे नहीं आ रहा है आपको? ना जी, टाइम पे नहीं आ रहा, 2 बजे आओ, सुबह नहीं। सरकार के लिए हम टाइम टू टाइम खाना पहुँचा रहे हैं? ना जी, सरकार के हम खुद यहाँ रहते हैं और खाते हैं। 2 बजे मिले, 2 बजे के बाद फिर शाम को मिलते 7 बजे। देखिए जैसे पार्वती जी ने बताया कि हमारे यहाँ खाना नहीं पहुँचाया जा रहा है, खाना आएगा तो लेट आएगा। क्या पूरे टाइम पे खाना नहीं पहुँच रहा है कि पूरा खाना नहीं पहुँच रहा है? ना जी, 2 बजे आवे, सुबह से नहीं आता, सुबह का खाना नहीं आवे, दोपहर में आता है 2 बजे। 2 बजे आता है तो एक कभी कभी बच्चों को देता है, कभी कभी बच्चों को नहीं देते, खाली लेडीज को या मर्द को देते हैं। मतलब पूरा खाना नहीं आ रहा है? ना जी। तो बच्चे आपके भूखे रहते हैं पूरा दिन? भूखे रहते हैं, कभी देते कभी नहीं देते, पूरा दिन भूखा ही समझो। फिर तो जो घर में पड़ा तो वही बनाते हैं। तो आप जैसे कि आप पहले क्या काम करती थी? तो जी यही है, झाड़ू पोछा करें। तो अब आपका काम बंद हो गया है? हाँ जी। तो ये लॉकडाउन के बाद आपकी जो जिंदगी है एकदम थम सी गई है? हाँ जी। तो कोई जरिया नहीं रहा है? ना जी, अब काम नहीं है तो हम लोग का क्या जरिया? तो आपका कहना ये है हमारे लोकल प्रशासन से कि खाना आपको पूरे टाइम पे नहीं आ रहा, ना पूरा खाना आ रहा है? ना जी, पूरा खाना नहीं आता, 2 बजे आता दोपहर में। दोपहर में तो बच्चों का 2 टाइम हो जाता खाने के लिए, सुबह का भी दोपहर का भी। जी मैं 2 बजे आवे, कई बार 2:30 बजे आता है और शाम को 7 बजे आता है। जी जैसे कि इन्होंने बताया कि खाना जो है टाइम पे नहीं आ रहा है, पूरा खाना नहीं आ रहा है, जिसके कारण कि बच्चे जो है भूखे रहते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम है? मेरा अनीता। अनीता जी आप कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ पे हुआ है मेरे को 5-6 साल। देखिए अनीता जी ये 5-6 साल यहाँ रह रहे हैं, कि खाना टाइम पे आ रहा है आपके यहाँ? खाना तो वही है 2 बजे आवे, 2-2.5 बजे, अभी तक आया ही खाने, और रात में आवे वही 7-8 बजे। 2 बजे खाना आता है या रात को आता है? हाँ। पूरा आता है खाना? पूरा आता तो है, लेकिन रोटी ऐसी आती है, जली मुझी रोटी आती है, वो नहीं खाई जाती है। देखिए इनका कहना है कि खाना आएगा तो पूरा नहीं आएगा, पूरा अगर आएगा तो जला आएगा, खाना खाने के लायक नहीं रहेगा। तो इसमें आप क्या आप कहना चाहेंगे कि आपका जो संदेश है लोगों तक पहुंचे? मेरा तो बस यही है भैया, बना नहीं दो तो कच्चा बांट दो ना, उससे बढ़िया रहेगा। हम जो भी होगा ना बच्चों को बना के खिला देंगे, कच्चा दोगे ना वो सही रहेगा हमको, भले 1-1 किलो दोगे ना वो अच्छा रहेगा मेरे को। ये बने से देखो बच्चे खाते नहीं खाते, आधा देखो जली रोटी है नहीं खाते बच्चे, आधे फिक जाते, क्या फायदा होता है, नुकसान आप ही का हो रहा है उसमें। जी आप बड़ी जनता हो दे जाते हो, लेकिन कोई खाता कोई नहीं खाता, उससे अच्छा तो आप कच्चा दे जाओ ना, 1-1, 2-2 किलो रोज को दो ना, तो वो बढ़िया रहेगा। पक्का राशन नहीं आ रहा है? पक्का नहीं आ रहा। जी इनका कहना है कि पक्का राशन बिल्कुल नहीं आ रहा है, कच्चा भी नहीं दे रहे हैं, ऐसा कहना है कि आप कच्चा भी नहीं आ रहा है? हाँ, मेरे को साधारण दे जाओ ना, साधारण दे दिया जाए। तो मैं अपने बच्चों दर्शन न्यूज के द्वारा मैं ये अपील करना चाहूंगा, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, सेक्टर 16-17 की झुग्गी में जितनी आपकी तरफ से मदद हो जाए आप उतनी मदद करिए। यहाँ लोगों को खाना टाइम पे नहीं पहुँच रहा है, जला हुआ खाना पहुँच रहा है। मैं जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि एक कदम आप स्लम्स की तरफ लीजिए। मेरी आपसे यही विनती है, यही गुजारिश है कि हम सब रोटी के लिए भाग रहे हैं, मगर क्या आपने इन स्लम्स के लिए बारे में सोचा है? हाँ, मैं गर्व से कहता हूँ हमारे हिसार में बहुत सी संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हमारा प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, मगर एक कदम आप इन स्लम्स के लिए उठाइए। मेरी आपसे यही विनती है। आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज हरियाणा, कैमरा मैन ललित के साथ, धन्यवाद।